जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आदमी आदमी होता है, आकृति भले न मिले पर अवयवों की रचना प्राय समान होती है। मुख के स्थान पर मुख है, आंखों के स्थान पर आंखें हैं, नाक कान सब अपने अपने स्थान पर हैं, हाथ के स्थान पर हाथ और पैर के स्थान पर पैर। शरीर रचना में प्राय समानता होती है। अंगुलियां पांच है, कोई कोई ऐसा मिलता है छह अंगुलियां हो जाती है, पर प्राय समानता होती है। अंतर व्यवहार और आचार में दिखाई देता है। व्यवहार सबका समान नहीं होता। एक बहुत मृदु व्यवहार करने वाला है, एक बहुत कठोर व्यवहार करने वाला है। एक बहुत मृदु वाणी का प्रयोग करता है और एक बहुत ही कटु वाणी का प्रयोग करता है, बहुत कड़वा बोलता है, ऐसा बोलता है कि जहर ही उगल देता है। व्यवहार में अंतर है, यह क्यों? टॉलस्टॉय रूस के बहुत बड़े विचारक हुए हैं, जिनका भारतीय मानस पर भी प्रभाव रहा और महात्मा गांधी भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहिंसा की दृष्टि से सोचने वाले और बड़े मृदु व्यवहार, कुशल व्यवहार करने वाले थे। जा रहे थे और एक कोई उद्दंड व्यक्ति आया और टॉलस्टॉय के लात मार के चला गया। साथ में लोग थे, गुस्से में आ गए कि इसको पकड़ो और इसको मारो। टॉलस्टॉय ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? कहा, आपके लात मार दी। जरा सोचो, ये तो आदमी था, अगर पीछे से गधा आता लात मार के चला जाता तो तुम क्या करते? तो कुछ भी नहीं करते, तब तो भाई गधा गधा था। तो तुम मान लो लात मारी तो गधा ही सही, तुम इस पर ग्रोश क्यों करते हो? आदमी का व्यवहार अलग प्रकार का होता है। एक लात मारने वाले का व्यवहार था, एक साथ वाले लोगों का व्यवहार था और एक टॉलस्टॉय का व्यवहार था। तीनों में अंतर पा रहे हैं। यह अंतर क्यों? इसका कारण हमें खोजना है और इसका आंतरिक कारण वह है लेशिया का सिद्धांत। जिस व्यक्ति में कापोत रंग के परमाणु उनकी तरंगे काम करती है और कापोत रंग का एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस आदमी का व्यवहार सीधा नहीं होगा, मधुर नहीं होगा। यद्यपि परिष्कार तो होता है, कृष्ण लेशिया में जो व्यवहार था वह तो आक्रामक हिंसा का व्यवहार था और कापोतलेशिया के व्यक्ति का व्यवहार हिंसा का उतना उत्तेजना का नहीं रहा, उतना इसमें आक्रोश भी नहीं है, पर वक्रता जरूर है। सीधी बात नहीं कहता, सीधी बात। कुछ लोगों की प्रकृति होती है
गृहस्थों में भी होती है, मुनिजनों में भी होती है कि सीधी बात नहीं कहते, बात को घुमा फिरा कर कहेंगे। एक मिनट की बात उनकी सुनो तो एक घंटा तो कम से कम चाहिए, बात तो सिर्फ एक मिनट की है, पर बंके बंक समा यारी वक्रता, वाणी की वक्रता, यह कापोतलेश्या का स्वभाव है, व्यवहार है उसका, जिसमें कापोतलेश्या का प्रभाव है वह वक्र वाणी में वक्र होगा, सीधा नहीं होगा, बहुत टेढ़ी बात कहेगा। यह शायद कुछ व्यंग करने वाले हैं वे भी इस परमाणु की चपेट में आते हैं, मुनियों में भी होता है। एक कोई मुनि जी थे पुराने, बहुत सारे साधु बैठे थे, वह आए और अचानक बोले, मारवाड़ी में बोले अठ मती रो, मेवाड़ में कहते हैं मती रो, यहाँ कहते हैं मत रहो थली में, मेवाड़ में कहते हैं मती रो या अठ मती रो। सब साथ उठकर बाहर आ गए, सोचा कोई गुरुदेव का आदेश होगा, बाहर आकर गए, पूछे कि आपने भीतर रहने की मनाई की है? गुरु ने कहा हमने तो मनाई नहीं की है। तो अमुक संत आए, अमुक मुनि जी आए, उन्होंने कहा कि अठे मती रो, उनको बुलाया गया कि तुमने कैसे मनाई की? तो मैंने कब मनाई की, मैंने कोई मनाई नहीं की। कि सब बाहर आ गए तो तुमने क्या कहा? मैंने तो ये कहा वहाँ मतीरे पड़े थे, तरबूज को मतीरा कहते हैं ना वहाँ, तो मतीरा मारवाड़ी भाषा में मतीरा कहते हैं। तो मैंने तो ये कहा अठे मतीरो, मैंने ये कब कहा तुम यहाँ मत रहो। अब ये वक्र भाषा का प्रयोग है। तर्कशास्त्र में भी ऐसे बहुत प्रयोग आते हैं, बहुत वक्र भाषा के प्रयोग, जिससे आदमी उलझ जाता है, कुछ निर्णय नहीं कर पाता कि क्या कह रहा है। वाणी में वक्रता और व्यवहार में भी वक्रता, दोनों ओर वक्रता होती है, यानी सीधी बात नहीं। यह क्यों होता है कि उस व्यक्ति में माया की प्रधानता रहती है, ऋजुता नहीं रहती। जो कापोतलेश्या के परमाणु सक्रिय रहते हैं उस समय ऋजुता सरलता नहीं आ सकती, टेढ़ापन रहता है, वक्रता छिपाता है। आचार्य भिक्षु ने इस विषय में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कहे डाकोतरो, कोई डाकोत जो शनिवार को घर घर में जाता है तेल लेने के लिए और कुछ लेने के लिए, गांव में अच्छा मानिश्ता डाकोत था, लोग मानते थे उसको और यह भी समझते कुछ जानकार है। तो डाकोत एक घर में गया, वहाँ घर में एक महिला गर्भवती थी, तो घर वालों ने पूछा कि बताओ लड़की होगी कि लड़का? यह प्रश्न तो बहुत पुराना लगता है, आज भी प्रश्न, आज तो बहुत साधन बन गए जानने के, और इन साधनों ने बहुत हानि भी समाज को पहुँचाई है, इतनी हानि कि शायद स्त्री जाति के प्रति जो अनादर का भाव पैदा किया है बहुत सारे इन वैज्ञानिक उपकरणों का कारण है और लोगों में जिज्ञासा है। पता नहीं मिथ्या धारणा क्यों बनी, अगर वास्तव में देखें तो लड़की पिता माता के लिए जितनी कल्याणकारी है, लड़का तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, संदेह है। ऐसे अनेक प्रसंग मैंने देखे कि लड़कों ने तो पिता को घर से निकाल दिया, लड़कियां सबको संभालती है। लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर पता नहीं क्या एक धारणा गलत बन गई कि बस लड़की है तो समाप्त कर दो, ये भ्रूण हत्या का इसीलिए तो चला है, भ्रूण हत्या का इतना बड़ा अनर्थ जो चला है। हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं करने वाले अगर भ्रूण हत्या करते हैं तो दोषी तो हैं, पर उनको ज़्यादा दोषी नहीं माना जा सकता, बेचारे जानते ही नहीं हिंसा अहिंसा को। वाणी की वक्रता का दसवीं कालिक सूत्र में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। एक कोई तपस्वी साधु है संघ में, एक कोई विद्वान है, एक कोई बहुत योग्य है, अब कोई नया व्यक्ति आया और किसी छोटे किसी साधु के पास गया,
जाकर बोला कि महाराज, हमने सुना है कि आपके संग में एक बहुत तपस्वी साधु है, कौन है? अब यह कह दे कि अमुक है तो समझता है मेरा सम्मान कम होता है, मेरी प्रतिष्ठा नहीं होती, वक्रता आती है और कहता है कि साधु सब तपस्वी होती हैं, सब साधु तपस्वी है। तब समझ लेता है हाँ आप ही तपस्वी है, उसको मान कर ही पूजा वंदना कर लेता है। यह है तव तेने, तप की चोरी यानी तप के विषय में वक्रता। किसी ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि आपके संग में एक बहुत विद्वान साधु, क्योंकि अभी साधु सब विद्वान ही होते हैं, इसका मतलब कब मान लिया कि आप विद्वान ही हैं? सारी सारी ये जो वाणी की वक्रता है, चाहे वाणी की चोरी कह दो, रीता नहीं है, और ये सारा व्यवहार वक्रता का प्रयोग एक कापोत्लेशा से प्रभावित व्यक्ति करता है। आचरण भी वक्रता है, एक तो सरलता और एक वक्रता। कहते हैं कि ऋषभ के समय में मुनि भी सरल ज्यादा होते थे, ज्यादा सरल, और महावीर के समय में साधुओं में वह सरलता नहीं रही। इसलिए दो शब्दों का प्रयोग हो गया, रिजु और जड़, जड़ प्रयोग हो गया। तो वक्रता बहुत कठिन प्रश्न है, साधना करने वाले व्यक्ति में भी सरलता का आना बहुत कठिन व्यवहार है। जिसका व्यवहार सरल हो, आजकल एक शब्द चलता है राजनीति के क्षेत्र में कि जो भी मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, कहता है मेरा काम पारदर्शी होगा, पारदर्शी यानी छिपाया नहीं जाएगा। अब पारदर्शिता पता नहीं लगती, जहां कोई सामान्य काम है तो पारदर्शी होता है, जहां और कोई बड़ी बात होती है वहां पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। पारदर्शी रहना बहुत बड़ी साधना का प्रश्न है, हर कोई व्यक्ति पारदर्शी वैसे हो नहीं सकता। तीसरा लक्षण हमारे व्यवहार का, दुष्टभाषी, बोलता है दोषपूर्ण बोलता है, वाणी में पवित्रता नहीं है, दोषपूर्ण, अज्ञानवश दोषपूर्ण बोलता है, या प्रमादवश या मोह के कारण ऐसी वाणी बोलता है कि जिससे बड़े बड़े विग्रह पैदा हो जाते हैं। यदि हम ध्यान दें तो समाज में सबसे ज्यादा प्रवृत्ति है हमारी वाणी। आदमी चलता है, खाता है, पीता है, अनेक काम करता है। अब आप सब कामों का एक संकलन करें और फिर उसका निष्कर्ष निकालें कि सबसे ज्यादा कौन सी प्रवृत्ति होती है। आदमी खाता है, दो बार खा लेता है, कोई तीन बार, कोई चार पांच बार, कोई सात बार खा लेता है, पर 24 घंटा में 7-8 बार से ज्यादा खाने वाला तो कम मिलेगा। कोई कई लोग होते हैं कि दिन में 20-30 चाय की प्याली पी जाती। अब वे तो अपवाद के रूप में, आदमी आदमी क्या है, वे तो दिन भर चलता रहता है, चरते ही रहते हैं। पर सामान्यतः खाने की प्रवृत्ति का एक समय है, चलता है, अगर पैदल चलता है तो 5 माइल, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल लेता है, तो 2-3 घंटा चल लेता है, फिर विश्राम करता है। वाणी का व्यापार कितना होता है, दिन भर बोलता रहता है आदमी, हर काम में बोलता रहता है, मौन बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा हमारी प्रवृत्ति वाणी की प्रवृत्ति है, और वाणी की प्रवृत्ति एक होती है पवित्रतापूर्ण, एक होती है दोषपूर्ण, दुष्टभाषी, कापोत्लेशा से के परमाणुओं से प्रभावित व्यक्ति की वाणी दोषपूर्ण होती है,
वह कोई अच्छी बात नहीं कहता, बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे कुछ कहा नहीं जाता। एक कहावत भी चलती है कि बोला के लाधा, आदमी की पहचान किससे होती है? वाणी के द्वारा होती है। कोई लोग बैठे थे, एक आदमी आया और बोला अंध्या बाबा राम राम, उसने भी वापस गाली दे दी। दूसरा आया और बोला सूरदास जी महाराज राम राम, उसने भी कहा सत्कार कर दिया, कहा हाँ आओ महाजन आओ आप राम राम, आपसे गाली नहीं दी उसको, गाली दे दी। अब क्या फर्क पड़ा? बात तो एक ही है, अंधा है कहो चाहे सूरदास कहो, अर्थ में कोई फर्क नहीं, पर वाणी के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया। अंधा कहना उसे अप्रिय लगता है, सूरदास कहना अप्रिय नहीं लगता। एक शब्द आज और चल पड़ा प्रज्ञा चक्षु, जो कोई विद्वान होता है, अंधा आदमी है विद्वान होता है, उसके लिए कहा जाता है, सूरदास भी नहीं कहा जाता, उसके लिए प्रज्ञा चक्षु, यानी प्रज्ञा ही उसकी आंख बन गई, कितना बढ़िया शब्द हो गया। ये उत्तरोत्तर विकास हुआ, अंध्या बाबा राम राम, कोई कह दे सूरदास जी राम राम, और कोई कह दे प्रज्ञा पुरुष जी राम राम, तो इतनी उदात्त वाणी बन गई। एक वाणी का व्यवहार जो समाज के संबंधों को जोड़ता है तोड़ता है, आप गहरे में जाकर अनुभव करेंगे कि समाज में परिवारों में ज्यादा लड़ाइयां होती है वाणी के व्यवहार के कारण ही लड़ाई होती है। अगर वाणी का सम्यक प्रयोग हो जाए और कापोत्लेशा के परमाणुओं से हटकर और पवित्र परमाणुओं की परिधि में चले जाएं, तो लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाएगा। वाणी का कैसा विवेक, बहुत बड़ा विवेक है, कहानी की जरूरत नहीं। अनेक बार कहानी कही जा चुकी है, पर हाथ में क्या है, ये हाड़ का हड्डी है, मारा जाता और एक क्षत्रिय से पूछा मेरे हाथ में क्या है, उस पिशाच ने प्रेत आत्मा ने पूछा मेरे हाथ में क्या है, तो आपका शस्त्र है, जैसे इंद्र के हाथ में वज्र होता है आपके हाथ में आपका शस्त्र है। इतने में सारा वातावरण टल गया, भय का संकट का वातावरण बदल गया। एक वाणी के व्यवहार से कितना अंतर होता है और वाणी का व्यवहार कितना प्रभावित करता है। किसी आदमी से कहो कि बेवकूफ कहीं का गधा, तो वह भी वापस कहेगा, वह भी गधा कह देगा। और एक व्यक्ति से कहो कि देखो तुम ये काम करो, बहुत समझदारी से चिंतन पूर्वक काम करो, बात तो वही कहनी है, पर इतने में वह और विनम्र बन जाएगा। हम वाणी के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को उद्दंड भी बना सकते हैं और वाणी का सम्यक प्रयोग कर किसी को विनम्र भी बना सकते हैं। यह हमारी वाणी पर निर्भर है, किस समय कैसे वचन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारी प्रवृत्ति है वाणी, और वाणी का जिसमें विवेक नहीं है वह धार्मिक तो क्या अच्छा सामाजिक व्यक्ति भी नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया दुष्टबाई, दुष्टभाषी जो दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है, राग युक्त द्वेष युक्त कलह कराने वाली भाषा, कदाग्र पैदा करने वाली भाषा, एक बात ऐसी कही पूरे घर में कलह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब सामान्य बात है, जिस समय कौनिक ने सोचा कि वैशाली गणराज्य पर मैं अधिकार नहीं कर सकता, बड़ी शक्तिशाली सेना है कैसे करें, तो छद्म नीति से काम लिया, वर्षधर को वहां छद्म रूप में भेजा
उसने जाकर यही काम किया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि परस्पर में मतभेद पैदा कर दिया। आक्रमण हुआ, रणभेरी बजी, कोई सैनिक आ नहीं रहा है। आखिर बात क्या है? एक सेनापति को बुलाया, आप तैयार क्यों नहीं हो रहे? कि मैं तो क्लीब आदमी हूं, जो सूरवीर है वे पैदा हों, वे जाएं। अब कह दिया क्लीब है, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। एक रचनात्मक शब्द का प्रयोग करो, शक्ति का विकास हो जाएगा। और एक नकारात्मक शब्द का प्रयोग करो, शक्ति है वह भी दब जाएगी। इसलिए वाणी का बहुत जरूरी विवेक है। तो कापोतलेशिया के परमाणु हमारे व्यवहार को दोषपूर्ण बनाते हैं, वाणी भी दोषपूर्ण। वाणी में वक्रता, व्यवहार में वक्रता, टेढ़ापन, सरलता नहीं रहती। ये तीन लेशियाएं, कृष्णलेशिया, नीललेशिया और कापोतलेशिया, तीनों अशुद्ध लेशियाएं हैं। और इन लेशियाओं के कारण कृष्णलेशिया से प्रभावित व्यक्ति हिंसा में ज्यादा उग्र हो जाता है, ज्यादा हिंसा में प्रवृत्त होता है। नीललेशिया वाला हिंसा में उतना नहीं होता, पर वह नीललेशिया वाला व्यक्ति है, उसका आचरण ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य में चला जाता है। और कापोतलेशिया वाले में और थोड़ा परिमार्जन हुआ, ऊपर तो उठा, फिर भी वक्रता, कुटिलता व्यवहार में, आचार में रहती है। ये पूरे मानवीय व्यवहार के तीन इतने बड़े पैरामीटर हैं कि देख लो अमुक प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो उसके भीतर अमुक लेशिया के परमाणु, अमुक रंग के परमाणु सक्रिय हैं और वे उसे प्रभावित कर रही हैं। इसलिए हम इस लेशिया के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार को समझने का प्रयत्न करें, आचार को समझने का प्रयत्न करें, उन रंगों को समझने का प्रयत्न करें जिन रंगों की तरंगे, जिन रंगों की उर्मियां हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रही है, उन्हें बदलने की ओर हम ध्यान दें, तो हमारे लिए यह लेशिया का सिद्धांत एक अच्छे व्यवहार, अच्छे आचार का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे